Okay, so today we are going to discuss the topic half adder. So in this topic we will see how can we add two single bit numbers. So the numbers are single bit. जैसे मान लिया कि सपोज हमारा यहाँ पे इनपुट्स है ए एंड बी, एंड यहाँ पे जो आउटपुट्स होता है वो दो आउटपुट मिलते हैं, एक होता है सम और एक होता है कैरी आउट। सम को हम डिनोट करेंगे एस से और कैरी आउट को हम डिनोट करेंगे सीओ से। तो हमारा जो ये हाफ एडर है इसमें कोई भी कैरी इनपुट हम कंसीडर नहीं करते हैं, ओनली 2 बिट ऐड होता है इस एडर पे। तो मान लो इसका डायग्राम कैसा होगा, ये हमारा एक सिंगल बिट इनपुट गया ए, एक सिंगल बिट इनपुट गया बी। सपोज यहाँ पे सोच लो यहाँ पे एक हाफ एडर का जो लॉजिक होगा वो है, हाफ एडर का लॉजिक होगा यहाँ पे, ये हम फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक होगा, कैसा होगा, और इधर से मेरा निकलेगा सम और कैरी आउट। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट द लॉजिक हियर। ओके, सो इनपुट्स था क्या मेरा ए बी, आउटपुट में क्या था सम कैरी आउट। सो लेट्स सी द ट्रुथ टेबल हियर। यहाँ पे गया इनपुट्स, यहाँ पे गया आउटपुट्स, इनपुट्स में मेरा है ए बी, आउटपुट में है सम कैरी आउट। अब हम जानते हैं अगर मेरे पास दो इनपुट्स है, मतलब एन इक्वल्स टू टू है, तो मेरा टोटल यहाँ पे कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है, 2 टू द पावर n, यानी कि यहाँ पे 2 टू द पावर 2, यानी कि 4। तो यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशंस क्या होता है हम देख लेते हैं। 0 0, 0 1, 1 0 एंड 1 1। सो इफ वी गो ऑन एडिंग दीज 2 बिट्स, सिंगल बिट नंबर्स ए एंड बी, 0 प्लस 0, देन द सम इज 0, वी नो प्रीवियसली, एंड कैरी इज ऑल्सो 0, देन 0 प्लस 1, देन सम इज 1 एंड कैरी इज 0, 1 प्लस 0, अगेन 1 0। इफ वी एड 1 1, देन 1 प्लस 1, देन सम इज 0 एंड कैरी इज 1, वी नो दिस प्रीवियसली। सो दिस इज आवर ट्रुथ टेबल। सो वी कैन से दिस सम इज द ऑड वंस डिटेक्टर, बिकॉज व्हेन द इनपुट्स आर इनपुट हैज ऑड नंबर ऑफ वंस, यहाँ पे नंबर ऑफ वंस 0 है, सो सम 0 है, यहाँ पे नंबर ऑफ वंस 1 है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ वंस 1 है। सो इस दो जगह पे हम आउटपुट में सम पे 1 देख रहे हैं, तो क्या हुआ,
ये ऑड वन डिटेक्टर हो गया, क्योंकि इनपुट में इस दो जगह पे ही सिर्फ ऑड नंबर ऑफ वंस है। सो नाउ हम लोगों को क्या करना है कि सम और कैरी का एक्सप्रेशन निकलना है हाफ एडर का लॉजिक के लिए। देखते हैं, वी यूज सम ऑफ प्रोडक्ट्स एसओपी रूल फॉर एस सम। क्या हुआ एसओपी रूल में, हम देखेंगे आउटपुट में वन कहां है, यहां पे है एक वन और यहां पे है एक वन। इसका कोरेस्पॉन्डिंग इनपुट क्या है, इसके लिए है ए जीरो, मतलब एस इक्वल टू ए, जब जीरो होगा तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स में क्या है रूल, ए जीरो हुआ तो ए बार, बी वन है तो ए बार इंटू बी प्लस, और कहां पे है वन, यहां पे है वन, इसका मतलब इसके साथ जो हुआ वो इसके साथ ऐड हुआ। यहां पे ए वन है मतलब सिंपल ए, एंड बी जीरो है इसका मतलब बी बार, सो ए बार बी प्लस ए बी बार। सो ये हो गया हमारा सम का एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ये है ए और बी का एक्सओर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सओर कॉम्बिनेशन। अब हमारा कैरी आउट जो सीओ है, कैरी आउट वो क्या आया, सारी जगह पे जीरो है और सिर्फ इस एक जगह वन है, वन है व्हेन बोथ द ए एंड बी इनपुट्स आर वन। सो वी कैन सिंपली राइट दिस इज इक्वल्स टू ए एंड बी। सो ये आ गया हमारा सम का एक्सप्रेशन और ये आ गया हमारा कैरी का एक्सप्रेशन। ओके, सो नाउ वी विल इंप्लीमेंट दिस लॉजिक। अब हमारा क्या हुआ, इधर पे था ए बी दो इनपुट, इधर था हमारा हाफ एडर का लॉजिक, इधर था सम कैरी आउट। सो हम सम का एक्सप्रेशन क्या मिला हमको, ए एक्सॉर बी, एंड इसका मिला ए एंड बी। सो इस जगह पे हमें क्या करना है, लॉजिक, ये लॉजिक यहां पे इंप्लीमेंट करना है। तो इन ऑर्डर टू डू दैट सिंपली राइट ए एंड बी, देन इसका एक्सॉर कॉम्बिनेशन तो ये हो गया हमारा सम। अब कैरी क्या हो गया, ए एंड बी, सो इधर से हम ए को लाए, इधर से बी लाए, एक एंड गेट दिया यहाँ पे, उसके बाद ये हो गया हमारा कैरी आउट। सो ये हो गया हमारा हाफ एडर का लॉजिक विथ एंड गेट एंड अ जॉर गेट। सो गाइस हम एक बार रिविजन कर लेते हैं हाफ एडर को कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। सिंगल बीट इनपुट ऐड कर रहे हैं हम यहां पे, अच्छा नो कैरी इनपुट इज कंसिडर्ड we get output sum and carry out this works
on two inputs. Okay. So सम का एक्सप्रेशन आया ए एक्सॉर बी एंड कैरी आउट का एक्सप्रेशन आया ए एंड बी. सो ये हो गया हमारा कंप्लीट हाफ एडर.